दोस्तों सैमसंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लगातार अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करता रहता है, ज़्यादातर फ़ोन और टीवी को लेकर के ये अपग्रेड करता है। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है सैमसंग क्रिस्टल 4K टीवी के बारे में। बहुत ही बेहतरीन टीवी बताया जा रहा है, मार्केट में काफ़ी अच्छा चल रहा है। थोड़ा सा महंगा तो है दूसरे अदर 4K टीवीज़ की, जो जहाँ पर 25-30 हज़ार रुपये में अच्छे 4K टीवी मिल जाते हैं, वहीं इसकी कीमत तकरीबन 40 हज़ार रुपये तक जाती है। लेकिन क्या अलग बताया जा रहा है इस 4K टीवी के बारे में, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो देखते रहिए फन टॉक। दोस्तों सैमसंग जो है 4K क्रिस्टल टीवी जो लेकर आया है, उसकी दो चीज सबसे मेन खास है। एक तो पहले इसका डिज़ाइन जो दिया गया है, बेजल लेस डिज़ाइन दिया गया है, जो पिक्चर क्वालिटी आपको मिलने वाली है बहुत ही गजब की इस टीवी में मिलेगी आपको। दूसरे जो इसमें सबसे खास चीज़ है वो है इसकी पिक्चर क्वालिटी। जी हाँ, पिक्चर क्वालिटी जो है बेहतरीन बताई जा रही है। इसके जो रिव्यू हैं काफ़ी अच्छे रिव्यू आ रहे हैं पिक्चर क्वालिटी के बारे में। फुल एच डी टीवी में तकरीबन 2 मिलियन पिक्सल आपको मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको 4 गुना ज़्यादा पिक्सल मिलेंगे, यानी 8 मिलियन पिक्सल इस टीवी में आपको मिलने वाले हैं, जो पिक्चर क्वालिटी को बेहतरीन कर देगा। दूसरी खास इसमें बात यह है कि इसमें HDR10+ यानी हाई डेफिनेशन रेंज आपको इस टीवी में मिलेगी, सपोर्ट करेगा ये, और साथ में डॉल्बी विजन आपको मिल रहा है जो पिक्चर क्वालिटी को बेहतरीन कर देगा। दूसरी इसमें एक चिप भी दी गई है 16 बिट की, 3D कलर ये इफेक्ट देगा, यानी कि आपके कलर को और अपग्रेड कर देगा। जैसे ही आपके जो सीन चलता हुआ होगा उस सीन के अकॉर्डिंग वो कलर मैच कर देगा, यानी कि जैसे आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो उसके कलर कुछ अलग दिखाएगा, मूवी देख रहे हैं तो उसके कलर कुछ अलग दिखाएगा। एक्शन मूवी इस टीवी में देखने में बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। दूसरी बात मैं करने वाला हूँ इसके साउंड की, 20 वाट का इसमें डॉल्बी साउंड दिया गया है, जो बहुत ही बेहतरीन बताया जा रहा है। डॉल्बी साउंड जो होता है काफ़ी अच्छे स्पीकर उसके होते हैं, और इस टीवी में बहुत अच्छे स्पीकर बताए जा रहे हैं। साथ ही इसमें और एडवांस टेक्नोलॉजी दी गई है और सुधार किया गया है साउंड के अंदर। इसमें साउंड को बेहतर करने के लिए क्यों सिम्फनी की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जो साउंड को और बेहतर कर देगी आपके सराउंड साउंड ये टीवी देने वाला है आपको। इसमें पिक्चर क्वालिटी को और बेहतर करने के लिए बहुत सारे पिक्चर मोड दिए गए हैं, यानी कि आप एडजस्ट कर सकते हो कलर को, बैकग्राउंड एडजस्ट कर सकते हो, बैकग्राउंड में जो कलर इफेक्ट आता है उसको एडजस्ट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा फीचर दिए गए हैं कलर के अकॉर्डिंग, बहुत ही कमाल के फीचर दिए गए हैं इसमें कलर के लिए। और साथ में दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ सैमसंग क्रिस्टल प्रो में क्या डिफरेंट है, क्योंकि इसमें वॉइस सर्च दिया गया है, आपको रिमोट में वॉइस सर्च मिलेगा, टीवी में वॉइस सर्च मिलेगा, ताकि आप कंटेंट कोई भी आसानी से ढूंढ सकें। और वहीं बात करते हैं क्रिस्टल 4K की, इसमें ये ऑप्शन नहीं मिलता है, इसलिए 2000 रुपये ज़्यादा है, यानी कि 4K प्रो जो मिलेगा आपको 43 इंच में वो मिलेगा आपको 40 हज़ार रुपये के करीब, और 4K जो मिलेगा आपको वो 38 हज़ार रुपये के करीब मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके टीवी 4K में वॉइस सर्च हो तो आप प्रो लीजिए, प्रो 2000 रुपये ज़्यादा महंगा, लेकिन उसमें आसानी से आप फीचर जो है ढूंढ सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने टीवी को, चाहे सॉन्ग हो चाहे मूवी हो कोई भी आप आसानी से सर्च कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपनी टीवी को वॉइस कमांड दे करके। तो बहुत ही आसान फीचर है, बहुत ही अच्छा फीचर है, 2000 रुपये और दे करके आप प्रो ले सकते हैं। बाकी फीचर दोनों में सेम है, कलर आपको सेम मिलेंगे, साउंड आपको सेम मिलेंगे। इसके कलर को एडवांस करने के लिए जो 16 बिट की चिप इसमें दी गई है वो दोनों में मिलेगी, इसका साउंड को एडवांस करने के लिए जो इसमें क्यू सिम्फनी टेक्नोलॉजी दी गई है वो दोनों में मिलेगी। तो हर चीज़ दोनों मिलेगी, सिर्फ इसका वॉइस सर्च का ऑप्शन आपको प्रो में मिलेगा, ना कि क्रिस्टल 4K में। दोस्तों वहीं पर जैसे हम देखते हैं 25-30 हज़ार रुपये के तकरीबन MI का टीवी आपको मिल जाएगा, रियलमी का 4K मिल जाएगा आपको, और दूसरे TCL वगैरह में मिल जाएंगे टीवी 4K, तो 43 इंच का 43 इंच में आपको 25-30 हज़ार रुपये अदर ब्रांड में मिल जाएंगे। लेकिन थोड़ा सस्ता टीवी खरीदने में ये डिफरेंट होता है कि उसकी जो 4K क्वालिटी होती है थोड़ी सी आपको कम मिलेगी। अगर दोनों में कंपेयर करें, दोनों को टीवी को रख के, तो सैमसंग 4K क्रिस्टल की जो क्लैरिटी होगी वो ज़्यादा एडवांस आपको लगेगी, कलर में बहुत ही फर्क लगेगा दूसरे सस्ते टीवी में और सैमसंग 4K क्रिस्टल टीवी में। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट्स में बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।